यह कुआं जो देख रहे हैं बहुत पुराना था और इसका वजूद लगभग ख़त्म हो गया था, और बहुत बढ़िया ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि इसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है और चारों तरफ से इसको नया कर दिया गया है। ईंट देख सकते हैं कैसे जोड़ दिया गया है। और आजकल के नया लड़का तो कुआं का नाम भी नहीं जान रहा है, ना देखा है। ये पहले ज़माने में देखिए कितना अंदर से मैं दिखा रहा हूँ, खाई है नीचे। अरे नीचे तो राजमिस्त्री जी भी लगे हुए हैं। ये देखिए कितना शानदार है, ये एक तरह का कुआं ख़त्म हो चुका था। इसमें पहले के लोग इसी से पानी पीते थे और काफ़ी साफ कुआं रहा करता था, लेकिन अब ये एक तरह से बीच में बंद पड़ गया था। जी जी, अभी बिहार सरकार के द्वारा जितना हमको लग रहा है कि बिहार भर में कुआं है जो एक तरह से लुप्त प्राय हो गए थे, उसको सबको पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो ये आप राजमिस्त्री जी, आप ये कितना दिन से इसमें काम कर रहे हैं? बताइए, ये सदेशोपुर पंचायत से हैं और 15 कुआं बना चुके ना? जी जी, अभी बन जाएगा तो बड़ा बढ़िया लगेगा। जी, अभी काम लगा हुआ है, देख सकते हैं ऊपर से ये लोग काफ़ी नीचे है, अभी तो बीच में पटरी बांध करके प्लास्टर हो रहा है, काफ़ी नीचे पानी रहता है। अभी कुआं जब बन जाएगा, इसकी उड़ाई जब हो जाएगी बढ़िया से, इसको लोग ढक दिए, बाद में इसको ढक दिया जाएगा। हाँ हाँ, जाली लग जाएगा तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा, ताकि इसमें कोई बाहर से लोग गिरे नहीं, सुरक्षित हो जाएगा। और कुआं एक तरह का बहुत बढ़िया जल स्रोत है, नेचुरल जो पानी, जो वर्षा होती है उसके पानी को ये एक तरह से रिसोर्स में रखता है, और इसको रस्सी बांध करके और आदमी इसको पी सकता है साफ करके। तो ये पुराने ज़माने में, अब तो हालांकि बहुत सारे नए नए चीज़ आ गए हैं, चापाकल आ गए हैं या मोटर लग गए हैं, टंकी लग रहा है। और ये देखिए ऊपर से कैसे ये मसाला लिए प्लास्टर करने के लिए ऊपर से लटकाया जा रहा है। काफ़ी संघर्ष के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, और देखिए कैसे कैसे नीचे मैं दिखा रहा हूँ।